जिला मुख्यालय धर्मशाला में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिसका कंट्रोल रूम एसपी कार्यालय में है। धर्मशाला में जल्द ही दो और मुख्य मार्गों पर ये सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। यदि आप यातायात नियमों को नजरअंदाज कर ड्राइव कर रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि अब पुलिस नहीं बल्कि यातायात नियमों की अवहेलना पर कैमरा आपको पकड़ लेगा और आपको चालान भुगतना होगा। शुक्रवार को आईटीएमएस का शुभारंभ उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने किया। इस दौरान एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन, डीएसपी बलदेव सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसपी कांगड़ा ने बताया कि इस सिस्टम को जहां स्थापित किया गया है वहां चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे, साथ ही विभिन्न माध्यमों से लोगों को यातायात नियमों की अनुपालना के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि उनका उद्देश्य चालान काटना नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा है। जहां ट्रैफिक व्यवस्था रखनी है, ब्लैक स्पॉट और जहां एक्सीडेंट अधिक होते हैं वहां इन कैमरों को स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी एक कैमरा ही लगाया गया है, लेकिन वे 20 से 30 जगहों पर ऐसी व्यवस्था करेंगे। डेफिनेटली मेरा ये एक छोटा सा पायलट लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट था। कोरोना से पहले हमने इसको शुरू किया था और ऑब्जेक्टिव तो मेरा ये था कि पूरे ज़िला में लगभग 30, 40 या 50 जगह पर हम ऐसे आर्म्स लगाएं और पूरे ज़िला को इस ढंग से व्यवस्थित कर दें कि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए और एक बेहतर व्यवस्था जिसमें ह्यूमन इंटरफेस भी ना हो, जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक कंप्लायंस की क्वालिटी भी बढ़े, ऑब्जेक्टिव था। उसकी एक छोटी सी शुरुआत अभी आप लोगों की जानकारी के लिए कि एक जगह पे एक और सेटअप मैं अपने किन्हीं रिसोर्सेज से लगा के दे रहा हूँ, और एक के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब अभी कह गए हैं कि एक जगह और लगवा देंगे, तो विच मीन्स कि हम लगभग तीन रोड जो हैं इसमें अभी एक रोड कवर हुआ है, तीन रोड हम नेक्स्ट 1 or 2 मंथ्स में और कवर कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, इसमें ई चलानिंग के हमारा जो मेन इसमें समय लगा, क्योंकि शायद नवंबर दिसंबर के आसपास हमने ये कंसेप्चुलाइज किया था, जैन फेब में हमने इंस्टॉल किया, कोरोना की वजह से बीच में पेंडिंग पड़ गया हमारा ये, पर ज़्यादा समय लगा कि इसको हमें जो हमारा NIC का ऑल इंडिया ई चलान पोर्टल है उसे इंटेग्रेट करने में इस डेटा को। अब वो डेटा इंटेग्रेट हो गया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा हम लगाएंगे कैमराज लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा रोड्स कवर हो जाएंगे, दिल बी नो ह्यूमन इंटरफेस। हम यहाँ पर डेटा को अभी क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की जो वायलेशंस हैं उनके लिए एक ह्यूमन इंटरफेस रखेंगे कि यहाँ पर फिर भी एक व्यक्ति बैठ करके उनको डेटा को एक बार क्रॉस चेक करेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटेड चालान जनरेट होते रहे। स्पीड लिमिट भी रखी गई है? हाँ जी बिल्कुल, स्पीड लिमिट भी रखी गई है बिल्कुल। हम लोग कर रहे हैं जी, मैं अपने फेसबुक के पेज के माध्यम से, इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स में भी आज में भी आ गया है कि आज से ऑटोमेटेड चालान हो रहे हैं। जहाँ कहीं कैमराज रहेंगे वहाँ पर हम लोग कॉशनरी बोर्ड भी लोगों के लिए लगवा रहे हैं कि आप थोड़ा धीरे चलें और एज पर लॉ चलें, क्योंकि आगे कैमराज हैं, वो भी हम लोग लगवा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी करेंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।